हेलो फ्रेंड्स, और मैं पूजा आज आपको लेके आई हूँ एक बार फिर से सरोजनी नगर मार्केट। तो सरोजनी नगर मेट्रो स्टेशन से हम उतरेंगे, गेट नंबर 1 से हमने करना है एग्ज़िट। और ये मेरी 2020 की फर्स्ट सरोजनी नगर मार्केट है, तो आप और मिलकर करेंगे हम एक्सप्लोर। और इस वीडियो में मैं पूरी मार्केट एक्सप्लोर कर रही हूँ, तो आप वीडियो को एंड तक देखना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप बाद में एक लाइक कर सकती हैं, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन पर भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। मैं इसी तरह ना डिफरेंट डिफरेंट मार्केट एक्सप्लोर करती रहती हूँ, चाहे वो वीकली मार्केट हो या डेली मार्केट। तो और अपने सजेशंस मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मार्केट कैसी लगी। और फ्रेंड्स, ये है एग्ज़िट नंबर 2 के बाहर बैठे थे भैया, तो इनके पास ये 300 की सारी जैकेट्स थी, कोट थे, लॉन्ग कोट थे, कुछ भी आप इनसे पिक कर सकते हैं। इस बार मैंने जो है दूसरी तरफ से एंट्री की है, तो आप ये मार्केट मैंने पहले अपनी वीडियो में आज तक नहीं दिखाई है, तो इसलिए पहले सबसे पहले यही एक्सप्लोर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। और फ्रेंड्स, इसका बूट का प्राइस भैया ने मुझे 500 रुपीज़ बताया। इनके पास इस तरह की जो बाकी आप बैली देख रही हैं, स्लीपर देख रही हैं, सबकी कॉस्ट 250 रुपीज़ थी। और एक ये स्टॉल इनके साथ लगा हुआ था, तो इसका स्टार्टिंग प्राइस तो था 250 से लेके 500 की रेंज में था, तो सबका डिफरेंट डिफरेंट प्राइस था। तो आप देख सकते हैं इसमें बैलीज थी, बूट भी थे, किड्स के भी थे, तो मिक्स वराइटी थी इनके पास। साथ में भैया ने 50 वाले से लगा रखी थी। अंदर इस तरह के आपको कई स्टॉल मिलेंगे, 50 वाले, 100 रुपीज़ वाले, 150 वाले, 200 वाले। लेकिन अगर आप मेरी एडवाइस मानिए, तो आप 50 रुपीज़ के जितने भी स्टॉल हैं उनको आप निगलेक्ट कर दीजिए, तो उसमें क्या होता है आपका टाइम ज़्यादा लगेगा। 50 वाले में आपको ये नहीं कि आपको चीज़ अच्छी नहीं मिलेगी, लेकिन बहुत सर्च करेंगे तब जाके आपके जो आपको कोई चीज़ पसंद आएगी। तो इसलिए अपना टाइम वेस्ट करने से अच्छा आप 100 रुपीज़ के स्टॉल में सर्च कीजिए। तो 100 रुपीज़ के स्टॉल में स्टफ़ भी काफ़ी अच्छा था, और आपको टाइम भी कम कंज्यूम होगा, और आपको अपनी जो टेस्ट के अकॉर्डिंग चीज़ भी इजीली से मिल जाएगी। तो 50 वाले आप अवॉइड ही कर दीजिएगा, क्योंकि मैंने काफ़ी सर्च की है इस बार। फ्रेंड्स, वहाँ पर आपको इस तरह के दो स्टॉल मिलेंगे, जहाँ पे आपको क्रॉकरी मिल जाएंगी, जहाँ पे आपको कप मिल जाएंगे, ग्लास मिल जाएंगे, मग मिल जाएंगे, आपको सिरामिक के बाउल मिल जाएंगे, और इनके पास डिस्पेंसर वगैरह सब कुछ आपको सिरामिक का मिलेगा। और इनका मग का जो प्राइस था 50 रुपीज़ था, और जो ग्लास थे यहाँ पर 150 की रेंज से स्टार्ट होकर 250 की रेंज में थे, और बाकी जो सबका प्राइस जो था डिफरेंट डिफरेंट था। तो वो आप यहीं पे आएंगे तो आपको पता लगेगा। अंदर मार्केट में इस तरह के आपको क्रॉकरी वाले नहीं मिलेंगे, ये इसी यहीं पे बाहर ही मिलेंगे, तो आपको यहीं से लेनी होगी ये सब चीज़ें, क्योंकि अंदर मैंने ये सामान नहीं देखा कभी। यहाँ पे बाहर भैया बैठे हुए थे, ऐसे ही सारे जो ब्लेज़र दे रहे थे 50 रुपीज़ के थे, तो इनके पास काफ़ी अच्छे थे, अगर आप सर्च करेंगे तो आपको अच्छे से मिल जाएंगे। ये देखिए, ये मेरे सामने दो गर्ल्स ने परचेज़ किया है कि इन्होंने ये पसंद किया। ये देखिए कितना प्यारा पीस है, एक ये वाला देखिए, ये 50 रुपीज़ का है ये भी। और ये भैया जो है 100 रुपीज़ के 4 पॉट दे रहे थे। और एंट्री करते ही भैया ये बैठे हुए थे पर्सेस वाले, ये जितने भी आप देख रहे हैं, स्टार्टिंग प्राइस इनका ये 100 रुपीज़ था, और इनके पास 100 रुपीज़ से लेके डिफरेंट डिफरेंट प्राइस थे। आप क्लचेस ये देखिए, ये जो मैं आपको अब दिखा रही हूँ फ्रंट में, ये जो था 250 की रेंज में था। और इसी तरह जो आप पीछे क्लचेस देख रहे हैं, पार्टी वियर, ये 300 की रेंज में थे, और ये जो मेटल वाले थे ये 500 की रेंज में थे। और ऊपर जो बैग हैंगर है सबका अलग अलग प्राइस था। और इसी तरह जो इनके पास ये सीक्वेंस वाले थे, ये 200 की रेंज में थे। और एक बार आएंगे तो ये थोड़ा बहुत भैया रेट भी कम कर लेंगे। और ये जो ये वाले हैं, ये 250 और 200 की रेंज में थे ये सारे।
और फ्रेंड्स इन भैया के पास 1 साल से लेके 10 साल तक के बच्चे के लिए जो ये शूज़ थे, और आप देख सकते हैं गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के इनके पास अवेलेबल थे। और जो इनका जो प्राइस था, स्टार्टिंग प्राइस जो था, ये 200 की रेंज में ही थे मैक्सिमम सारे। तो आप ये जो है भैया किंग्स के बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में बैठे हुए थे, तो काफ़ी अच्छा कलेक्शन था इनके पास। आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं यहाँ पर। के पास जो सामने जैकेट्स लगी है वो 650 की रेंज में है, जो नीचे रखी हुई है वो 550 की रेंज में है। अगर आपने इस तरह का स्टफ लेना है तो आप चेकआउट कर सकते हैं यहाँ। कैसे दी? 300। और वो सामने वाले ये 550 का है। फ्रेंड्स इस तरह आपको वहाँ पे वॉचेस की भी काफ़ी स्टॉल मिल जाएंगे। यहाँ पे भैया का स्टार्टिंग जो प्राइस था 100 रुपीज़ था, और जो आप बॉक्स में देख रहे हैं इसमें जेंट्स और लेडीज़ का जो पेयर में थी लास्ट में है, बिल्कुल ये वाली 550 की रेंज में थी। जो शेड्स थे 150 से स्टार्ट थे। और दूसरी साइड जो इनके पास ये जो सनग्लासेस लगे हुए थे इसका प्राइस 100 रुपीज़ का था, तो आपको भी पिक कर सकते हैं वहाँ से। और यहाँ पे भैया बैठे हुए थे बेल्ट और पर्सेस लेके, तो आप ये देखिए इनके पास जितनी भी बेल्ट थी 100 रुपीज़ की थी, और उनके पास जितने भी वॉलेट पड़े हुए थे ये सब 100 रुपीज़। यहाँ पे आपको भैया के पास 200 रुपीज़ तरह की लॉन्ग टॉप मिल जाएंगे, और आपको जो है ट्रैक पैंट्स मिल जाएंगी नाइट वेयर के हिसाब से, तो 200-250 की रेंज में इनके पास थे, तो आप विज़िट कर सकते हैं। फ्रेंड ये 100 रुपीज़ के 4 स्टफ मिल रहा था, आप कोई भी पिक कर सकते हैं। तो पैसे के हिसाब से इसकी क्वालिटी भी बिल्कुल ही वैसी ही थी। तो जस्ट मैं आपको आइडिया के लिए आपको एक क्लिप ऐड कर दिया मैंने, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और फ्रेंड्स ये है 100 रुपीज़ के, तो मैं भी आपको ये आपको दिखा रही हूँ, कुछ 3-4 डिज़ाइन आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, लेकिन मैं आपको इस साथ एक ऐसा स्टॉल शेयर करूँगी जहाँ पे भैया का मैं 2-3 बार मैं वहाँ पे जा चुकी हूँ। उनका सारा मैंने अच्छे से एक एक स्टफ अच्छे से चेक किया है, तो उनकी मुझे क्वालिटी भी बहुत अच्छी लगी, डिज़ाइन भी बहुत अच्छी लगी। तो एक बार मेरे कहने पर वहाँ पर ज़रूर आप विज़िट कीजिएगा। तो ये देखिए, और बाकी आप कुछ कई स्टॉल पे 100 के मिलेंगे आपको, नो डाउट। ऐसा नहीं है कि आपको मिल वहाँ से नहीं मिलेगा, मिल सकता है, लेकिन एक बार मेरे कहने पे उस स्टॉल पे जरूर विजिट कीजिएगा। तो ये देखिए, फ्रेंड्स वहाँ पर आपको इस तरह के 200 की शॉर्ट्स जो है, स्कर्ट और लॉन्ग स्कर्ट दोनों अवेलेबल है इस समय। तो आप यहाँ अगर आप इस तरह का भी स्टफ आप लेना चाहते हैं तो आप लेके रख सकते हैं। और ये देखिए, ये शॉर्ट्स में भी हैं और लॉन्ग में भी हैं, आपको दोनों मिल जाएंगी, और दोनों का प्राइस भी सेम ही है। फ्रेंड्स इनके पास 150 रुपीज़ आपको ये फर वाली जो है क्रॉप टॉप जैकेट्स मिल जाएंगी, फुल स्लीव्स वाली, हाफ स्लीव वाली इनके पास थी। तो अगर आप इस तरह का स्टफ ढूंढ रहे हैं तो आप यहाँ पे विज़िट कीजिएगा, क्योंकि इस तरह के स्टॉल वहाँ पर कम मुझे इतने नहीं नज़र आए, फर वाले जो थे 2-3 ही थे, तो इसलिए मैं इनका कलेक्शन आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इनके पास जो फर थे वो लॉन्ग फर वाले, लॉन्ग था इसका फर थोड़ा, और जो बाकी जो भैया के पास थे उनका जो थोड़ा स्टफ था फर में था, लेकिन डिफरेंट था। फ्रेंड्स यहाँ पे 200 रुपीज़ की सेल लगी थी, और मिल रही थी यहाँ पे 200 की पैंटें। तो बॉयज़ अगर आप इस तरह का स्टफ पहनना पसंद करते हैं तो आप यहाँ पर आके एक बार चेकआउट कर सकते हैं। कुछ काफ़ी कलर्स अवेलेबल थे यहाँ पे, तो कुछ कलर्स आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आके।
फ्रेंड्स वहाँ पे रेगुलर मार्केट भी है, अगर आपको वहाँ पे इस मार्केट में पसंद नहीं आता तो वहाँ पे बहुत बड़े बड़े शोरूम भी हैं, शॉप्स भी हैं, तो वहाँ पे आके भी आप विज़िट कर सकते हैं। तो इस मार्केट में आना आपके लिए बेकार नहीं जाएगा। और फ्रेंड्स ये 200 रुपीज़ की जो है यहाँ पे रफ जीन्स मिल रही थी, यहाँ पे स्टॉल में जीन्स लेने से अच्छा है बिक्सी के बाहर सेल लगी हुई थी, वो शोरूम की ही जो हैं वो जीन्सें हैं, तो ये वो 450 की है लेकिन उनकी क्वालिटी फार बेटर है, तो आप वहाँ पे एक बार चेकआउट कर लें। और ये 200 रुपीज़ के लिए बॉयज़ के लिए स्वेट शर्ट थी, आप देख सकते हैं ये दो डिज़ाइन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। फ्रेंड्स 200 रुपीज़ में ये बॉयज़ के लिए भी आई हुई थी टी शर्ट्स जो थी, ये हाफ स्लीव्स की थी, तो आप देख सकते हैं, तो यानी वहाँ पे अब समर कलेक्शन भी आना स्टार्ट हो गया है, आप एक बार देख लीजिए। दो तीन डिज़ाइन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और 250 रुपीज़ में आपको इस तरह की स्वेट शर्ट फुल स्लीव्स में भी मिल जाएंगी, तो कुछ डिज़ाइन में अपने और कलर्स में आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। अगर बॉयज़ लेने में इंटरेस्टेड हो तो एक बार जाके वहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। तो ये देखिए आप लोगों के लिए भी आया हुआ है स्टफ मार्केट में। फ्रेंड्स यहाँ पे 200 रुपीज़ की सेल लगी हुई थी जिसमें मेंस के स्वेटर लगे हुए थे, ये सारे एक्सपोर्ट के थे, क्योंकि मैंने दो तीन स्वेटर जो चेक किए इसमें जो टैग के ऊपर जो लिखा हुआ था बाहर की कंट्रीज़ के नेम थे, किसी पे न्यूयॉर्क था, किसी पे कोरिया था, और इस तरह डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज थी, दो तीन मैंने चेक किए थे, तो आप देख सकते हैं एक बार आके। और अगर आपने इस तरह का स्टफ लेना हो तो सकता है आपको आपकी टेस्ट का यहाँ पर मिल जाए। और फ्रेंड्स यहाँ पे 100 रुपीज़ के ब्लैंकेट मिल रहे थे, काफ़ी पतले और लाइट वेटेड थे, ट्रैवल पर्पज़ के हिसाब से ठीक है, लेकिन अगर आप दिल्ली की इतनी सर्दी में अगर कहें कि इससे कुछ बनेगा, लेकिन कुछ नहीं बनेगा, लेकिन ये थे सिर्फ सिंगल बेड के लिए थे और ये 100 रुपीज़ के थे। अगर इसमें आप हार भी लेना चाहें जिनके पास वो भी अवेलेबल थे, ये इन्होंने बाहर लगा रखे थे, तो आप देख सकते हैं अगर लेना चाहें तो। और फ्रेंड्स ये रही इनकी शॉप और आप देख सकते हैं, और इनके पास कर्टन थे, ये जो कर्टन आप देख रहे हैं ये 200 रुपीज़ का था, 7 फीट के कर्टन थे ये, और वैसे कर्टन का इनका स्टार्टिंग प्राइस जो था वो 150 रुपीज़ था। तो अगर आप कुछ लेना चाहें इस तरह का फैब्रिक वगैरह तो आप एक बार यहाँ पे आकर चेकआउट कर, अगर आपने स्टॉल लेने हैं तो 150 रुपीज़ में आपको ये गरम स्टॉल वहाँ पर मिल जाएंगे। तो कुछ डिज़ाइन और कलर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, तो आपको मोटे और पतले दोनों स्टफ में यहाँ पर मिल जाएंगे, तो आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं। अब यानी 250 रुपीज़ की सेल लगा रखी थी, यहाँ पे न्यू बॉर्न बेबी के हिसाब से सेट मिल रहे थे आपको विंटर के, आप तो आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, सिंधी गारमेंट्स के बाहर ही थे भैया। तो सबसे बड़ा यहाँ पे अगर आपको यहाँ से स्टॉल से नहीं समझ आता तो पीछे शॉप है, तो आप वहाँ पे भी विज़िट कर सकते हैं, तो आपके पास चॉइसेस बहुत है। तो कुछ जो है डिज़ाइन पैटर्न कलर्स आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ, और ये देखिए पीछे सिंधी वाले हैं। फ्रेंड्स ने शॉप्स के अंदर ये देखिए आपको फ्रंट में फ्रॉक्स वगैरह नज़र आ जाएंगी, और इनके पास जो है गर्ल्स के लिए एथनिक वेयर भी थे, वो आगे फ्रंट में लगे हुए हैं अंदर जाके, तो आप अगर लेना चाहें तो आप जा सकती हैं। यहाँ पे भैया ने साथ में 200 रुपीज़ की सेल लगा रखी थी, तो आप कुछ भी यहाँ से पिक कीजिए, सबका प्राइस 200 रुपीज़ था, तो आप एक बार यहाँ पर आके चेकआउट कर सकते हैं। बड़ा बड़ा चाहिए 100 रुपए रेट, सब 100 रुपए छोटा लो बड़ा लो रेट एक ही है। वो ये छोटे बच्चों के जो है सामने जो लगे हैं दिखा देगा, रेट बता दे मुझे, बता देगा रेट बता दे ओम, इसका रेट बताना है वो उसको मालूम है ना। अच्छा वो नहीं मालूम। वही नाइट सूट कितने के सामने जो लगे हुए हैं 350, ये साइज क्या है, साइज क्या चाहिए आपको, ये कौन सा साइज है, कौन सा ब्लैक, हाँ सब क्या अलग अलग साइज है सर, 10 साल 12 साल।
और फ्रेंड्स ये मिल रहे थे 23 की रेंज में। इतने सुंदर सुंदर इयररिंग्स, ये दो स्टॉल लगे हुए थे, इनके पास इतने डिज़ाइन और इतने कलर्स थे कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि आपको कौन सा लेना है। और पर एक बात है कि अगर आपने लेना हो तो अपना मिरर साथ लेके जाइएगा, ये लोग मिरर नहीं रखते। और फ्रेंड्स अगर आपने कैप लेनी हो तो वहाँ पे आपको कैप भी मिल जाएंगी, चाहे आपने गर्ल्स को चाहिए या बॉयज़ के लिए लेनी है या किड्स के लिए लेनी है। ये इनका प्राइस जो है 100 रुपीज़ से लेके 200 रुपीज़ तक था, आप देख सकते हैं। कैसे थे भैया? और ये वाले 300 का, ये 300 का है। सही बड़ा है। अच्छा और ये वाले कितने के? 200। और इस तरह के आपको मोबाइल एक्सेसरीज वाले भैया भी वहाँ पे मिल जाएंगे। तो इनके पास जो बैक कवर थे काफ़ी स्टाइलिश जो थे और बहुत ही सुंदर सुंदर थे। और ये जो आप देख रहे हैं ये 200 रुपीज़ का भैया ने मुझे कोट किया, और एक मैंने और इनसे पूछा था ग्लिटर वाला, गुड वाइब्स वाला, तो ये उन्होंने 150 का मुझे बताया। तरह के आपको कोजी और वॉर्म्स जो है बाथरूम स्लीपर मिल जाएंगे, और जिसका स्टार्टिंग प्राइस 200 था। फ्रेंड्स अगर आपने इस तरह के फर वाले स्वेटर लेने हैं तो ये 200 रुपीज़ का भैया दे रहे थे। तो ये देखिए दो तीन डिज़ाइन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और ये भैया जो है एक्सिस बैंक के बिल्कुल फ्रंट में बैठे हुए थे, तो इनके पास वैसे काफ़ी थे लेकिन नेचुरली ये सारे दिखाना पॉसिबल नहीं होता। ये दो इन्होंने हैंग कर रखे हैं तो आप देख सकते हैं, अगर लेने हो तो आप विज़िट कर सकते हैं। आप और ये भैया 100 रुपीज़ के 4 बैंड दे रहे थे, तो आप इसमें से कोई भी पिक कर सकते हैं। और आजकल काफ़ी ट्रेंड में है ये वाले हेयर बैंड, इसे भैया 20 रुपीज़ का दे रहे थे, आप इसमें से कुछ भी पिक कर सकते हैं। इसमें कॉस्मेटिक से रिलेटेड काफ़ी सामान था आपके पास, इनके पास लिपस्टिक थी, इरेजर थे, स्पंजेस थे, काजल था, आई लाइनर था। इंच के अभी बताओगे जरा, ये वाला ये 350 का, 350 का ये शॉर्ट में है, ये सब 350 का, 350 का है। लॉन्ग वाले में थोड़े से महंगे, 550 650। ये वाला कितने का? ब्राउन वाला ये काला, हाँ बोलो। कोई सेट कैसे है? कोई भी ले लो। हाँ, ये नेवी ब्लू से जो भी ले लो। कोई वाली कुर्ती कैसे दी है? 350। कोई भी ले लो, नहीं आगे से दो बैंड कोई भी ले लो, पीछे से 450 450। साइज अवेलेबल है? साइज क्या चाहिए? नहीं अगर मतलब डबल एक्सल वाले को ज्यादा एक्सल नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। ले लो मैडम, ले लो कुर्ती, ले लो मीडियम लार्ज, टेप और वेब टेप आ बेच दिया। एक्सल भी नहीं है? एक्सल किसी किसी में होगा। और फ्रेंड्स यहाँ पे 350 रुपीज़ में आपको डेनिम की जैकेट्स मिल जाएंगी, और यहाँ पे जो साइज़ अवेलेबल होगा वो सिर्फ एक्सल तक होगा। अगर आपने डबल एक्सल साइज़ लेना है तो मैं आप लोगों के साथ एक शॉप शेयर करूँगी, वहाँ पे आपको डबल एक्सल साइज़ भी मिल जाएगा। तो इस तरह के स्टॉल में तो आपको सिर्फ एक्सल साइज़ तक ही मिलेगा। और फ्रेंड्स आपको इस तरह का अपने लेदर लुक में शॉर्ट्स जैकेट्स लेनी है तो 500 की रेंज में आपको मिल जाएंगी। और ये भैया सोनू गारमेंट्स के जस्ट अपोजिट बैठे हुए थे फिश पॉइंट के, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आकर एक बार। और यहाँ पे स्टॉल लगा हुआ था 100 रुपीज़ का, तो 100 रुपीज़ में मिल रहे थे इस तरह की जो है आपको कार्डिगन थे, और इनके पास स्वेटर भी थी, लॉन्ग नी तक ड्रेसेस भी थी, तो मिक्स स्टफ था इनके पास, आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं। और ये देखिए तो कुछ आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ यहाँ पर डिज़ाइन।
से बिक्सी वाली लेन में है कि शॉप, इनके पास आपको डेनिम का मटेरियल की भरमार मिलेगी। तो अगर आपने इनके पास 450 में आपको जो है शॉर्ट जो है डेनिम की स्कर्ट मिल जाएंगी, 350 में आपको डेनिम की जैकेट्स जो है स्टार्ट मिल हो जाएगी, इसमें आपको एक्सल साइज तक मिल जाएगा। इनके पास डेनिम की जो जीन्स है 350 की रेंज में मिल जाएंगे और बार्गेनिंग भी ये भैया कर लेंगे, तो आप देख सकते हैं। और फ्रेंड्स ये देखिए 200 रुपीज़ में आपको पैंट्स मिल जाएंगी, 100 रुपीज़ के स्वेटर्स मिल जाएंगी। इसी तरह कंटिन्यूसली स्टॉल लगे हुए हैं, 100 रुपीज़ के स्टॉल मिल जाएंगे आपको वॉर्म। और इसी तरह नेक्स्ट स्टॉल में आप देखिए क्या है, नेक्स्ट स्टॉल में है इस तरह के 100 रुपीज़ के टी शर्ट्स है फुल स्लीव की, इस तरह 200 रुपीज़ की रफ में स्टाइल में जीन्स मिल जाएंगी आपको, और बैक साइड पे कोट है आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसी तरह आपको 250 की रेंज में बॉयज़ के लिए मिल जाएंगे स्वेट शर्ट्स, तो कॉन्टीन्यूसली एक के बाद एक, और 150 में वॉर्म पजामास। ये बिक्सी सेल नंबर में जींस आदि दे रहे हैं, आइए निकालिए 200 में। फ्रेंड्स और ये 450 की आपको जीन्स मिल जाएगी, बिक्सी के बाहर इन्होंने सेल लगा रखी है, तो अगर आप अंदर से लेना चाहें तो बिक्सी के अंदर जाके शोरूम से भी ले सकते हैं। और ये भी बिक्सी वालों ने ही सेल लगा रखी थी। और यहाँ पे 350 रुपीज़ की डेनिम की जो जैगिंग्स थी आप देख सकते हैं, काफ़ी कलर्स थे और स्टफ की क्वालिटी भी ठीक थी। और फ्रेंड्स ये 650 रुपीज़ के बूट थे, आप इसमें से कोई भी पिक कर सकते हैं। और ये भैया जो है बिक्सी शोरूम के बिल्कुल साथ ही बैठे हुए थे, तो आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। और ये साथ में भैया थे, इन्होंने 100 रुपीज़ का स्टॉल लगा रखा था, यहाँ पे 200 रुपीज़ की स्वेट शर्ट मिल रही थी और नाइट सूट थे इनके पास 400 और 500 की। और फ्रेंड दुर्गा मंदिर के साथ ही भैया बैठे होते हैं, तो इनके पास जो थे सीक्वेंस वाले क्रॉप टॉप थे। अगर आप पार्टी लवर हैं तो इस तरह के सीक्वेंस वाले आप टॉप पहनना पसंद करते हैं, तो आप इनके पास चेकआउट कर सकते हैं। नेट फैब्रिक में भी थे, तो काफ़ी वैरायटी थी इनके पास इस टाइम। ये भैया जो है दुर्गा मंदिर के सामने बैठे हुए थे, इनके पास जो शूज़ थे ये प्योर लेदर के थे, इन्होंने मैंने एक का प्राइस पूछा था, इन्होंने 1700 कोट किया। तो ये डिपेंड करेगा आप कितने अच्छे बार्गेनर हैं, तो आप यहाँ से तभी अच्छी बार्गेनिंग कर सकते हैं। और वहाँ पे आपको इस तरह के बैग वाले भी काफ़ी भैया मिल जाएंगे, लेकिन इनका फिक्स प्राइस है 350 का है। कोई भी आप बैग यहाँ से पिक कीजिए। और फ्रेंड अब मैंने एंट्री किया है ग्रेफिटी लेन में, और ये देखिए यहाँ पे लॉन्ग कोट की भरमार आई हुई है। तो मैंने भैया से पूछा था एक लॉन्ग कोट का प्राइस, ये वाला जो आप देखेंगे ग्रे कलर का, तो उन्होंने मुझे कहा था फिक्स प्राइस 400 रुपीज़ है। तो यहाँ पे ये कई लोग यहाँ पे आपको 1900-800 आपको कोट करेंगे, तो आप बार्गेनिंग कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे 400 की रेंज में इजली से लॉन्ग कोट आप यहाँ से मिल सकता है। तो आप एक बार अगर आपने लॉन्ग कोट लेना है तो इस लेन में आप ज़रूर विज़िट कीजिए, क्योंकि यहाँ पे चॉइसेस आपको लॉन्ग कोट के लिए काफ़ी हैं। और देखिए मैडम इधर भी, हाँ जी एक मिनट इधर भी, इसको भी आपकी भी, हाँ हाँ नहीं मेरा नहीं, ये पीस का, पीस का, ये दो कितने का है फिर? अरे रेट लग जाएगा आप 100 का नहीं फिर सारी आएंगे, सारी आएंगे कितने का कितने को बताओ? ये मेरा बॉस से बैठा है, कितने? अच्छा प्राइस तो बता दो, यही माल लाता है ना, यही पता था 950 का, सही रेट बताओ ना फिर मैं वो कोट भी 800 रुपए बोल दो, मेरी लाइन लग जाएगी यहाँ पे। फ्रेंड्स यहाँ पे 50 रुपीज़ में आपको वेलवेट के कोट मिल रहे थे, टॉप मिल रहे थे, तो इनके पास मिक्स स्टफ था, तो आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं।
मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ एक्सपोर्ट लेनी है। देखिए यहाँ पर आपको एक 50 रुपीज़ से लेके 200 की रेंज में स्टॉल मिल जाएंगे। इसी तरह अपोजिट डायरेक्शन में भी सेम स्टॉल लगे हुए हैं, तो यहाँ पर आप पर एक बार आकर आप चेकआउट कर लीजिए, उसके बाद आप परचेजिंग कीजिएगा। फ्रेंड्स यहाँ पे 60 रुपीज़ में आपको समर के लिए मिल जाएंगे स्कार्फ। और फ्रेंड्स ये 100 रुपीज़ के भैया डेनिम के, इनके पास डिफरेंट डिफरेंट स्टफ था, कुर्तीज थी, शर्ट्स थी, टॉप था, तो मिक्स वैरायटी थी यहाँ पे। तो आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं क्योंकि इनके पास वैरायटी काफ़ी थी और पूरा स्टॉल जो था सिर्फ डेनिम से ही भरा हुआ था। तो आप देख सकते हैं एक बार यहाँ कर भी, और ये एक्सपोर्ट लेन में एंटर करती ही हैं भैया। वैसे आओ 50 रुपए ओनली 50 ब्रांडेड में आओ, ये 1500 वाले 50 आओ, चले आओ 50 रुपए ओनली 50। और फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तब तो आप लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।